आदाब दोस्तों, मैं हूं सऊद। आज हम सीखेंगे कि कैसे आवास सॉफ्ट के बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए वजीर आजम रिहाइश स्कीम देही में मुस्तफिदीन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप PMAYG की वेबसाइट www.pmayg.nic.in पर लॉगिन कीजिए। फिर होम पेज से डेटा एंट्री टैब पर क्लिक कीजिए। अब MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन कीजिए। आपको दो लॉगिन ऑप्शंस दिखाई देंगे, लॉगिन यूजिंग एग्जिस्टिंग सर्वर या लॉगिन यूजिंग न्यू सर्वर। एग्जिस्टिंग सर्वर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। कभी कभी PMAYG वेबसाइट पर ओवरलोड होने की वजह से या इंटरनेट स्पीड धीमी होने की वजह से वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती। ऐसी सूरत हाल में न्यू सर्वर से लॉगिन करना चाहिए। न्यू सर्वर पर लॉगिन करके आप चार अहम काम कर सकते हैं, जो हैं PMAYG रजिस्ट्रेशन, आवास ऐप के जरिए खींची गई फोटोज का वेरिफिकेशन करना, इंडिविजुअल सैंक्शन ऑर्डर लेटर को डाउनलोड करना, सैंक्शन ऑर्डर इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना और FTO के लिए ऑर्डर शीट जनरेट करना। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के तरीके को तफसील से समझाने के लिए हम एग्जिस्टिंग सर्वर को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMAYG साल 2016 में लॉन्च हुई थी, इसीलिए PMAYG रजिस्ट्रेशन के लिए 2016-17 के बाद के साल इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर कोई पुरानी स्कीम की बैकलॉग एंट्री करना चाहता है तो वो उस साल को सेलेक्ट करके कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करने के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एंटर करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। PMAYG रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल दोनों पर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ग्राम पंचायतों के पास माकूल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए हम आपको ब्लॉक लेवल पर PMAYG बेनिफिशरीज रजिस्ट्रेशन का तरीका दिखाएंगे। डेटा एंट्री पेज पर डेटा एंट्री एट ग्राम पंचायत हेड के नीचे PMAYG रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर PMAYG पेज खुल जाएगा। पेज के टॉप पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ब्लॉक में रजिस्टर बेनिफिशरीज की तादाद मौजूद है। फॉर्म को फिल करने से पहले याद रखें कि जहां जहां एस्ट्रिक्स के निशान हैं, वे सभी फील्ड्स भरने जरूरी हैं, यानी कि इन्हें भरे बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता। पेज के पर्सनल डिटेल्स सेक्शन से पंचायत को सेलेक्ट करें और फिर सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMAYG में फायदा पाने वाले का इंतखाब SECC डेटा 2011 की बुनियाद पर होता है और इस डेटा को बुनियाद मानकर कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाती है। इसलिए सोशल कैटेगरी को मुंतखब करने पर जिस कुनबे का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, उस कुनबे के सरबराह का नाम अपने आप ही जाहिर हो जाएगा। कभी कभी SECC डेटाबेस में आए किसी मसले की वजह से नाम जाहिर नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में जब तक मसले का हल नहीं निकल जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। मसले का हल होने तक इंतजार करें या अपने नोडल ऑफिसर से राब्ता करें और फिर रजिस्ट्रेशन के अमल को दोहराएं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुनबे के सरबराह के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद 3 मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि मुंतखब की गई कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में उसका नाम 3रे नंबर पर है। मान लीजिए कि राजेश कुमार किसी दूसरे शहर को चला गया है या उसकी मौत हो गई है या फिर किसी दूसरी वजह से वो अब रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आप प्रायोरिटी लिस्ट में से दूसरे शख्स को मुंतखब कर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए पेज के राइट हैंड साइड में सर्च पर क्लिक करें और प्रायोरिटी लिस्ट में से नाम को सेलेक्ट करें। अगर सोशल कैटेगरी में माइनॉरिटी को सेलेक्ट किया जाता है तो मुंतखब शख्स का मजहब अपने आप ही जाहिर हो जाएगा। अब आपको फैमिली मेंबर लिस्ट में से बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करना है। इससे मुंतखब कुनबे के मेंबरान का नाम जाहिर हो जाएगा और उनकी उम्र हर एक नाम के आखिर में दिखाई देगी। PMAYG के तहत घर का मालिकाना हक कुनबे की बड़ी खातून के नाम पर होना चाहिए। लिस्ट में से बेनिफिशियरी के इंतखाब के बाद जेंडर को सेलेक्ट करें।
आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओनरशिप टाइप को सेलेक्ट करें। हमेशा इस बात को तरजीह दें कि ओनरशिप टाइटल खातून के नाम पर हो। खुसूसी सूरत हाल में ज्वाइंट ओनरशिप को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, हालांकि बेनिफिशियरी टाइटल खातून के नाम पर ही रहेगा। ओनरशिप टाइप में अगर आप विमेन विडो का इंतखाब करते हैं तो आपको किन टू टैब में दिखाई दे रहे चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। मुस्तफीद माजूर है या नहीं, उसे सेलेक्ट करें। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करें और माजूरी के फीसद को भरें। मोबाइल नंबर एंटर करें और मोबाइल नंबर के ओनरशिप टाइप को सेलेक्ट करें। एंटर किया गया मोबाइल अगर मुस्तफीद का है तो यकीनी बनाएं कि नंबर यूनिक हो, यानी इस नंबर का इस्तेमाल PMAYG रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कभी ना हुआ हो, नहीं तो सिस्टम इस फॉर्म को नामंजूर करेगा। हमेशा इस बात को तरजीह दी जाती है कि अगर मुस्तफीद के पास अपना चालू मोबाइल कनेक्शन है तो उसी नंबर को रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर किया जाए, क्योंकि मुस्तफीद को रिहाइश से जुड़े मुख्तलिफ मरहलों की मालूमात जैसे रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, किश्तों की अदायगी वगैरह SMS के जरिए दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर मकामी जबान में भेजी जाती है। अगर दर्ज किया गया मोबाइल नंबर मुस्तफीद का अपना है तो ओनर टाइप में से ओन सिलेक्ट करें, और अगर बेनिफिशियरी के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है और उसके रिश्तेदार, सरपंच या फिर किसी दूसरे जानकार का नंबर दर्ज किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये मोबाइल नंबर एक से ज्यादा बार भी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ओनर टाइप में से अदर को सेलेक्ट करें और मुस्तफीद के साथ रिलेशनशिप मेंशन करें। अब मुस्तफीद का आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा नाम एंटर करें। मौजूदा वक्त में आधार नंबर एंटर करना जरूरी नहीं है, लेकिन आधार नंबर एंटर करने की सलाह दी जाती है। अगर आप मुस्तफीद का आधार नंबर एंटर करते हैं तो कंसेंट फॉर्म अपलोड करना यकीनी बनाएं, क्योंकि किसी का आधार नंबर इस्तेमाल करने से पहले सरकार को उस शख्स की मंजूरी चाहिए होती है। इसलिए आधार डिटेल तभी एंटर करें जब मुस्तफीद अपनी मंजूरी देने का रजामंद हो। अगर फायदा पाने वाला लेप्रेसी, कैंसर या HIV/AIDS से बीमार है तो उसे सेलेक्ट करें। इस तरह से पेज का पर्सनल डिटेल सेक्शन पूरा होता है। अब आपको फायदा पाने वाले की बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। पहले बैंक टाइप को सेलेक्ट करें। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक में से एक को सेलेक्ट करें। अगर फायदा पाने वाले का बैंक में खाता नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो ऊपर से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें। अगर मुस्तफीद का खाता कोऑपरेटिव बैंक में है तो कंफर्म करें कि बैंक का अपना IFSC कोड हो। अगर नहीं तो वो बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए अहल नहीं है, क्योंकि PMAYG में अदायगी की रकम मुस्तफीद के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जाती है। बैंक टाइप चूज करने के बाद सूबे में RBI से रजिस्टर्ड सभी बैंक सेलेक्ट बैंक नेम हेड में जाहिर हो जाएंगे। अगर बैंक या ब्रांच लिस्ट में जाहिर नहीं हो रही है तो अपने स्टेट नोडल ऑफिसर से इसे लिस्ट में ऐड करने के लिए राब्ता करें। ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक में दर्ज मुस्तफीद का नाम एंटर करें। कभी कभी SECC डेटा में दर्ज कराया गया नाम बैंक में दर्ज कराए गए नाम से मेल नहीं खाता, इसीलिए यहाँ बैंक पासबुक में दर्ज नाम को ही एंटर करें, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद सभी बैंक डिटेल्स मुतालिक बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएंगी। सेलेक्ट करें कि क्या मुस्तफीद लोन की सहूलत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। अगर हाँ तो जरूरत के मुताबिक लोन की रकम दर्ज करें। PMAYG के तहत 70,000 रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकता है। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कुनबे का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर मांगी गई जगह पर दर्ज करना है, जो रियल टाइम वेरिफिकेशन फीचर के साथ भी आता है। अगर दर्ज किया गया जॉब कार्ड नंबर गलत है तो उसी वक्त सिस्टम आपको बता देगा कि ये गलत है, और जब जॉब कार्ड नंबर सही पैटर्न में दर्ज किया जाता है तब रियल टाइम में मनरेगा डेटाबेस में ये नंबर वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि ये जॉब कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं, और ये उसी कुनबे का है या नहीं। कभी कभी MG NREGA डेटाबेस में किसी मसले की वजह से रियल टाइम में वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। ऐसी सूरत हाल में जब तक मसले का हल ना हो तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। कुछ वक्त का इंतजार करें या अपने नोडल ऑफिसर से राब्ता करें
और कुछ वक्त बाद रजिस्ट्रेशन के अमल को दोहराएं। मनरेगा जॉब कार्ड नंबर दर्ज कराना जरूरी है क्योंकि PMAYG के तहत एक कुनबे को मनरेगा के तहत 90 या 95 दिनों की मजदूरी रिहाइश की तामीर के लिए मिलती है। सेलेक्ट करें अगर फायदा पाने वाला मेसन ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और सूबे के लिए तैयार की गई हाउस डिजाइन टाइपोलॉजीज को इस्तेमाल करना चाहता है, बाय डिफॉल्ट यस सेलेक्ट रहता है। फॉर्म को पूरी तरह भर लेने के बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद बेनिफिशियरी की PMAYG ID स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन का मैसेज मकामी जबान में फॉर्म में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। पर्सनल डिटेल्स डेटाबेस में सेव हो जाएंगी और बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए बैंक के पास चली जाएंगी। फॉर्म भरते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, इसीलिए आवाज सॉफ्ट में रेक्टिफिकेशन का फीचर दिया गया है। फॉर्म को रेक्टिफाई करने के लिए डेटा एंट्री पेज पर जाएं और PMAYG एडिट रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करें। रेक्टिफिकेशन के लिए बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करें और जो डेटा रेक्टिफाई होना है उसे री इंटर करें। इस फंक्शन से केवल पर्सनल डिटेल्स और कन्वर्जेंस डिटेल्स ही एडिट की जा सकती है और एक बार हाउस सैंक्शन हो जाए तो डिटेल्स एडिट नहीं की जा सकती। कामयाब रजिस्ट्रेशन के बाद हाउस सैंक्शन किश्तों की अदायगी वगैरह की प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए PMAYG होम पेज में स्टेक होल्डर्स टैब पर जाएं और बेनिफिशरीज को क्लिक करें। स्टेटस ट्रैक करने के लिए PMAYG रजिस्ट्रेशन ID एंटर करें। इस फंक्शन के लिए लॉगिन ID या पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आइए अब उन अहम नुकात पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको मुस्तफीद का रजिस्ट्रेशन करते वक्त याद रखना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जहां जहां एस्ट्रिक्स के निशान हैं, वे सभी फील्ड्स भरनी जरूरी हैं। यानी इन्हें भरे बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता। हमेशा इस बात को तरजीह दें कि ओनरशिप टाइटल खातून के नाम पर हो। खास सूरत हाल में ज्वाइंट ओनरशिप को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुस्तफीद का मोबाइल नंबर ही दर्ज कराने की कोशिश कीजिए क्योंकि मुस्तफीद को मकान से जुड़े मुख्तलिफ मरहलों की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, किश्तों की अदायगी वगैरह मकामी जबान में SMS के जरिए भेजी जाती है। ऐसी सूरत हाल में मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। अगर आप मुस्तफीद की आधार डिटेल्स एंटर करते हैं तो कंसेंट फॉर्म जरूर अपलोड कीजिए। अगर कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट किया है तो उसका IFSC कोड होना जरूरी है। बैंक डिटेल्स सेक्शन में बैंक पासबुक में दर्ज मुस्तफीद के नाम को ही एंटर करें। इस वीडियो में हमने PMAYG बेनिफिशरीज के रजिस्ट्रेशन के तरीके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रेक्टिफाई करना और प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करना सीखा। आवाज सॉफ्ट के दीगर फीचर्स को सीखने के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आदाब।